दोस्तों ये है मालचा महल और जहाँ पर अवध राज घराने के जो आखिरी वारिस थे अली रज़ा वो यहाँ रहते थे और उनकी मौत यहाँ पर हुई है। और आज हम आपको इसके अंदर लेके जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से चीज़ें हैं और वो किस तरह से यहाँ पर रहते थे और सारा जो अंदर का जो हाल है वो हम आपको बताएंगे। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये मालचा महल का मेन एंट्रेंस गेट है और पूरा अगर आप सोचें तो बहुत तसव्वुर करना बहुत ही मुश्किल होता है कि ऐसी जगह जो पूरी तरह से जंगल जैसी है वहाँ पर कोई शख्स रहता था। ये मेन दरवाज़ा है और टूटा हुआ है। ये मालचा महल का एंट्रेंस है, देखने से लग रहा है कि बैठक रही होगी क्योंकि यहाँ पर तख्त बिछे हुए हैं। और ये जो आप कालीन देख सकते हैं ये कालीन जो अली रज़ा थे उनकी माँ जो थी विलायत बेगम वो लेके आई थी। ये पर्शियन कालीन है और अभी बहुत ही बुरी हालत में है यहाँ पर। और किताबें पड़ी हुई है जहाँ नजरे मारे किताबें हैं, पुराने पन्ने पड़े हुए हैं। ये तस्वीर उस वक्त की लग रही है, प्रिंसेस हुसैना डॉटर ऑफ किंग गाजीउद्दीन हैदर, ये उस ज़माने की तस्वीर रही होगी। और ये एक और किताब है प्रिंसेस विलायत महल अवध, जो उनकी माँ थी उनके ऊपर ये लिखी गई है, शायद उनकी बेटी ने लिखी होगी। और दीवारों पर उनकी माँ की तस्वीर लगी हुई है और कुत्तों से बहुत उनको प्यार था। तो ये तस्वीर आप अगर देखें तो कुत्ते का पैर पकड़ा हुआ है। जब वो वहाँ अवध से आई थी तो अपने साथ 15 कुत्ते लेके आई थी, कुत्तों का बहुत शौक था। एक तस्वीर वहाँ पर लगी हुई है, एक यहाँ पर लगी हुई है। और ये वो इलाका है, ये वो एरिया है जहाँ पर उनका डाइनिंग एरिया था। आइए हम आपको दिखा दें। ये वो जगह है जहाँ पर अली रज़ा जो है उनकी डेड बॉडी इसी पलंग पर मिली, यहाँ पर उनकी डेड बॉडी पड़ी थी। और ये उनका डाइनिंग टेबल था जो जहाँ पर वो खाना खाते थे। और आप देखें तो उनके अंदर एक जो चीज़ खासियत ये थी कि वो आज भी अपने आप को एक प्रिंस की तरह ट्रीट करते थे। वो उस जोन में रहते थे हमेशा कि वो अभी भी राजा हैं, वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए। उसका ये नमूना है कि आप देख सकते हैं कि भले से यहाँ पर ये धूल से अटा हुआ है लेकिन चेयर लगी हुई है, ये बॉटल रखी हुई है और सारी कप वगैरह यहाँ पर सजे हुए हैं, पाइनएप्पल जैम रखा हुआ है और पाइनएप्पल जैम आधी बॉटल है जिसमें अभी ये भरा हुआ है। आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो इसमें कुछ पका होगा और वो सड़ चुका है और इसमें कीड़े हैं और गिड़ाड़े पड़ी हुई हैं। तो ये जब का बना हुआ है, अभी तक इसकी सफाई नहीं हुई है। और ये खाने पीने की चीज़ें हैं, यहाँ पर डब्बे रखे हुए हैं। और उनको कुत्तों से बहुत प्यार था। ये आप जब यहाँ पर आएंगे तो ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो कुत्तों के खाने के लिए बर्तन होता है वो यहाँ पर रखा हुआ है, कुत्तों का ब्रश यहाँ पर रखा हुआ है। तो कुत्तों से उनको बहुत प्यार था। और हमारे वहाँ पर किताबें हैं, पन्ने पड़े हुए हैं, तस्वीरें हैं और हर एक चीज़ आप देखें। अगर इस तस्वीर को उठाएं तो ये उनकी माँ की तस्वीर है, इसमें एक पीछे कुत्ते का भी फ़ोटो है। हर एक चीज़ की अपनी कहानी है, अपनी हिस्ट्री है, लेकिन पूरी तरह से सब कुछ बिखरा हुआ है। इसको कोई संभालने वाला नहीं, ASI का अभी तक यहाँ पर कोई ऐसा टीम नहीं है जो इसको संभाल के रखे इन चीज़ों को। और यहाँ पर कुछ कागज़ पड़े हुए हैं, ये रिसिप्ट मनी का वो है। कोई जाहिर शाहिद है जिन्होंने ब्रिटेन से पैसा भेजा था और 2468 रुपये ये भेजे थे। और सिग्नेचर भी यहाँ पर उनके हुए हैं। और एनवलप बनवाए गए हैं शहज़ादी विलायत महल, जो उनकी माँ थी उनके नाम पर एनवलप बनवाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये उन्होंने ही बनवाए होंगे। और एक ये एनवलप है यहाँ पर और एक ये है जिस पे लिखा है रूलर्स ऑफ अवध। ये आप देख सकते हैं दो मछलियों का साइन बनाया गया है और ये सब चीज़ उन्होंने बनाई है। तो वो अपने जोन में रहते थे और
इस तरीके से रहते थे कि वो अवध के राजा हैं, ये सब चीज़ें सबूत हैं उन सब उनकी मानसिकता की, वो अभी भी उस जोन में थे कि हम अवध के राजा हैं और उसी लाइफस्टाइल में वो खुद को जीना चाहते थे। अली रज़ा जो उनकी माँ थी विलायत बेगम, उनका ये दावा था कि जो 1857 में जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में उनके ख़ानदान का बहुत अहम रोल था और उनके ख़ानदान ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, तो इसलिए वो भारत सरकार से मुआवजा चाहती थी कि उस बलिदान की एवज में भारत सरकार उनके लिए कुछ करे, और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। 10 साल तक वो लड़ाई लड़ती रहीं और दिल्ली के रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में वो रहीं, और उसके बाद इंदिरा गांधी ने उनको ये महल दिया ताकि वो उसमें रह सकें। और दरअसल ये महल जो फिरोज़शाह तुगलक थे उनका ये शिकारगाह था, यहाँ पर वो शिकार करने आते थे, और उस दौरान उन्होंने ये अपने बैठने उठने के लिए बनाया होगा, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये जो महल है जिसको मालचा महल कहते हैं, ये जो विलायत बेगम थी उनको रहने के लिए दिया था। और